जा रहा हूँ मामा जी और की तरफ, क्योंकि आज मामा जी और की बंदूरी है और मुझे थोड़ा उधर काम भी है, तो मैं लैपटॉप वैपटॉप पैक करके और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों माधव जी, मम्मी से दो विश्वा प्रेम की बातें करके और मैं आज उठ गया हूँ दोस्तों, और उठ के अब अपन चलते हैं, आज नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, कुछ आज नया करते हैं दोस्तों, क्योंकि आज छुट्टी है दोस्तों, तो आज कुछ नया करने। पहले बाल कटाने आया हुआ हूँ, तो मैं बाल बाल कटवा के और फिर चलते हैं अपन फैंसी स्टोर वाले के पास में, वहाँ से अपन लेंगे कल एक आज बनेगी वो आज एक वीडियो बनेगी, उसके लिए अपन लेंगे थोड़ा सा सामान और वो लेके फिर अपन चलेंगे घर पे, और फिर वीडियो के लिए जो अपने बंदे हैं उनसे बात करेंगे कि वो कब तक आएंगे क्या है। बाल बाल कटवा के दोस्तों और फैंसी स्टोर की दुकान में आया था, अब फैंसी स्टोर की दुकान में सामान खरीद के अब घर जाऊंगा दोस्तों, आज ये लेंगे इन्हीं की वीडियो बनेगी दोस्तों। दोस्तों आज मुझे बहुत काम थे पर वो पूरे काम भी नहीं हो पाए, क्योंकि मैं सो गया था, अभी उठा हूँ और मैं आज 4 घंटे की नींद लेकर जो मुझे फील हुआ है बहुत बढ़िया फील हुआ है। मैं 1 बजे सो गया था और 4 बजे उठा हूँ, और अब चाय वाय पीते हैं और अपन अपने काम को अंजाम देते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो गया और अब मैं जा रहा हूँ मामा जी की तरफ, क्योंकि आज मामा जी की बंदूरी है और मुझे थोड़ा उधर काम भी है, तो मैं लैपटॉप वैपटॉप पैक करके और अब मैं मामा जी की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। मामा जी के आ गया और अब मामा जी हुक्का पी रहे हैं, और अब थोड़ी देर बाद में हमारे मामा जी की तो बिंदूरी जाएगी तेजा जी के, तो अपन वहाँ पे चलेंगे और अब थोड़ी देर मामा जी से बात करते हैं। मैं मामा जी के साथ में हूँ और मामा जी कड़ी पी रहे हैं, तो मामा जी से दो बात करते हैं। तो मामा जी आज आपने तेजा जी की बंदूरी है? हाँ 6 बजे शाम की। 6 अच्छा, तो कल आप तेजा जी के साथ तेजा जी के का योग जो बढ़िया मौजूद रही है, और आपने इष्ट देव तो भी बोई जी, आप तो जन्म सु जसु हुआ जा जसु भी नहीं मान रहे आप तो भी नहीं मानता हो। अच्छा तो आज फैक्ट्री थी, फैक्ट्री कौन गया रेस्ट ही जी। तेजा जी के मंदिर में आ गए हैं दोस्तों, तेजा जी का मंदिर पीछे है, अपन वहाँ पे चलते हैं दोस्तों, और अपन सबसे पहले तेजा जी के दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने के बाद में मामा जी यहाँ पे आएंगे और वो प्रसाद वरसाद आज बिंदुरी है ना, तो प्रसाद वरसाद लेकर आएंगे। तो तेजा जी के क्या होता है कि बेल्ट नहीं लेकर जा सकते, तो अपन बेल्ट को उतार देते हैं फिर उसके बाद में अपन मंदिर में चलते हैं दोस्तों। तो मैंने बेल्ट उतार दिया है और बेल्ट उतार के अपन चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों अपन मंदिर के यहाँ पे आ गए, तो दोस्तों ये है अपना तेजा जी का मंदिर, सिण गरे रते जो जी लीलण गोड़ी ने लेबन जवला। सामान लेकर आए थे तो सबसे पहले मैं बेल्ट उतार देता हूँ, क्योंकि मंदिर में बेल्ट नहीं लेकर जा सकते, और जो माला वाला है वो अपन मंदिर को सजाएंगे, छोटा भाई है वो यहाँ पे आ गया, और अब अपन बात करते हैं कि कैसे क्या सजाना है। तो अपन इनको कितनी है 50 माला है, तो मैं दो दीजू, और ये मेरे नाना जी हैं, और बताओ नाना जी कोई बढ़िया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अन आप कैसे सजाओ ला, और आपने कत आदमी की बारे जे यानी कती कई आदमी की भीड़ रहे जे सामने? भीड़ खूब रही, फिर भी था का आइडिया जो आदमी कत्ता रहे 2000 आदमी, 2000 आदमी तेजा दशी की बंदोरी का दिन काल नहीं, पीरू के दिन जो मैं मेले दिन तेजा दशी पीरू का दिन तो मावे कौन को देश 5-7 10-5 हजार आदमी, यानी सबसे बड़ा मेला पड़ता है यहाँ पे दोस्तों नांगल सिरस में, और ये यहाँ पे एक साथ 5-5 बिंदोरियाँ आती है, और नाना जी यहाँ पे बहुत सालों से पूजा कर रहे हैं तेजा जी की, क्योंकि ये इष्ट देवता है, और मेरे मामा जी भी आ गए हैं, और नाना जी ने बोला है कि भाई अपने को ही सजानी है मंदिर को, क्योंकि ये अपना ही काम है, कोई दूसरों का काम तो है नहीं दोस्तों, तो अपन यहाँ पे वो करते हैं सजाते हैं मंदिर को, और नाना जी भी लगे हुए हैं। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे सजावट करके और अब चलता हूँ मैं घर की तरफ, घर पे खाना वाना खा के फिर शाम को आता।
तो मैं खाना वाना खा के रेडी हो गया और अब चलते अपन बंदूरी की तरफ। मैं आ गया तेजा जी के और तेजा जी की बंदूरी आ गई है हमारी और हम दोनों भाई यहाँ खड़े हैं तेजा जी के सामने और अभी यहाँ पे माहौल होगा वो आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। बहुत लोग आएंगे दोस्तों, बहुत लोग, तो आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। सिंगारे रते जो जी लीलन गोड़ी ने ले बन जावला पे मल गोरी ने। सिंगारे रते जो जी लीलन गोड़ी ने ले बन जावला पे। दोस्तों बंदूरी से फिर होके अपन आ गए हैं मामा जी के घर। अब दोस्तों अपन लोग को एडिट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।